तुनिशा शर्मा केस में वसई कोर्ट ने सोमवार को आरोपी शीजान खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने तुनिशा की मां वनीता शर्मा द्वारा दिए गए बयान और एफआईआर कॉपी को कोर्ट के सामने पढ़कर सुनाया। वकील ने कोर्ट में बताया कि तुनिशा को एंजाइटी अटैक आया करते थे। शैलेंद्र मिश्रा ने कहा है कि इस केस में आईपीसी की धारा 306 नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि शीजान ने किसी भी प्रकार से मृतक को ना उकसाया है और ना ही ऐसी स्थिति में डाला है कि वो खुदकुशी कर ले। वकील के मुताबिक शीजान और तुनिशा का ब्रेकअप 15 दिसंबर 2022 को हुआ था। इसके बाद दोनों अपनी जिंदगी में सामान्य तरीके से रह रहे थे। 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक दोनों ने रोज की तरह अपनी शूटिंग को भी जारी रखा। इस शूटिंग के दौरान सेट पर किसी को भी दोनों के व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। सीरियल अलीबाबा दास्तान काबुल के को एक्टर पार्थ, जुत्सी, आयुष और शीजान तीनों 23 दिसंबर की शाम सेट पर बैठे हुए थे। उस दौरान तुनिशा ने अपने मोबाइल फोन पर फांसी के फंदे की एक तस्वीर को अपने को एक्टर पार्थ को दिखाया, जिसे देखकर वो भड़क गया। पार्थ ने इसकी जानकारी शीजान को दी थी। शीजान ने तुनिशा की मां वनीता शर्मा को फोन करके चेतावनी दी और कहा कि वो तुनिशा का ख्याल रखें और उसके साथ समय बिताएं।